दोस्तों कोच कैरी कस्टन ने घोषित किया टीम पाकिस्तान का सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 जो पहले टेस्ट मैच के लिए सिर्फ होगी। तो दोस्तों क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले आप टीम पाकिस्तान के विकेट कीपर रिजवान और सरफराज में से सबसे बेहतर किसे मानते हैं, नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच कैरी कस्टन ने इंग्लैंड के साथ खेले जाने वाले टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम की सबसे घातक प्लेइंग 11 घोषित कर डाली है, जहां पर गैरी कस्टन ने ओपनिंग जोड़ी में अब्दुल्ला शफीक के शाह शाइम अयूब को स्थान दिया है। वहीं पर तीसरे स्थान पर कप्तान शान मसूद और चौथे स्थान पर बाबर आजम को स्थान दिया है। इसके अलावा गैरी कस्टन ने पांचवें स्थान पर शाह शकील और छठे स्थान पर मोहम्मद रिजवान को स्थान दिया है। वहीं पर सातवें स्थान पर सरफराज अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बतौर बल्लेबाज स्थान दिया है। दोस्तों हालिया परफॉर्मेंस में पाकिस्तान की कमजोर बैटिंग को देखते हुए कैरी कस्टन ने प्लेइंग 11 बनाई है। वहीं पर आठवें स्थान पर आमिर जमाल और नौवें स्थान पर शाहीन अफरीदी को स्थान दिया है। इसके अलावा दसवें स्थान पर नसीम शाह और ग्यारहवें स्थान पर अबरार अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में स्थान दिया है। तो दोस्तों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या पहले टेस्ट मैच में जीत पाएगी, आप हमें नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।